और हम एक बात कहना चाहते हैं, जब हमारे ये खिलाड़ी ओलंपिक में और चैंपियनशिप में मेडल जीत कर लाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि फलानी जाति के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिया, कोई ये नहीं कहता कि उस गांव के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिया, कोई ये नहीं कहता कि उस जिले के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिया, कोई ये नहीं कहता कि उस धर्म के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिया, कोई ये नहीं कहता कि फलाने राज्य के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिया। हर कोई ये कहता है कि भारत के बेटे बेटियों ने मेडल जीत कर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा दिया। और जब ये मेडल जीतते हैं पोडियम पर चढ़ते हैं तिरंगा झंडा लेकर तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, बीजेपी की आईटी सेल है, वो आज ये प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रही है क्या कि ये जाति विशेष के लोग बैठे हैं? कोई जाति विशेष के लोग नहीं बैठे, यहां हर वो आदमी धरने पर बैठा है जिसका भीतर का जमीर जिंदा है, जो न्याय के साथ और विश्वास के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी साहब और अमित शाह जी, सबसे पहले तो हमारे देश की बेटियों को आपके दुरिंदे और गुंडे सांसदों से बचाने की जरूरत है। कितने नाम लगे आपकी पार्टी के लोगों के जिन्होंने मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कराया।